Juan Khan, your first ever Dean Shikhar certified trainer and the GLG member from Pakistan. Well, I'm the sub-franchise manager of Dean Shikhar Pakistan as well. So, we have some of you first of all, you have some of you are और काफी एक पट क्रिएटेड था पाकिस्तान के अंदर कुछ वीडियोस की वजह से और काफी लोग थोड़े से परेशान भी थे कि यार क्या अपडेट्स हैं और अभी जो रिसेंटली मेंटरशिप वेबिनार हुआ था मैंने उस पर वीडियो भी नहीं बनाई थी उसकी एक वजह थी तो आज वो वजह मैं बता देता हूँ क्योंकि मेरा एक वेबिनार था सर अदील के साथ. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा सर अदील को जो कि माशा से इंडिया के फ्रेंचाइज होल्डर है इनर सर्कल मेंबर भी हैं. अस्सलाम वालेकुम सर अदील, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अफान क्या हाल है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह. कैसे हैं सर आप? ठीक है जी, मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ? ठीक है जी जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह. बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमें अपना कीमती टाइम दिया. सर कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे करना चाहूँगा ताकि जो क्योंकि सर आपको पता है मोस्टली पाकिस्तानी आप लोग आप ही को फॉलो करते हैं और वो आपकी बात को ज़्यादा मायने रखते हैं तो मेरे कुछ क्वेश्चन सर अगर आप मुझे अलाउ करें मैं ज़रूर आपसे करना चाहूँगा. जी सर, जो रिसेंटली हमें पता है जैसा है कि आप माशाल्लाह से बुल्गारिया गए थे ट्रेनिंग लेने तो सर प्लीज हमसे थोड़ा सा शेयर करें कि क्या अपडेट्स हैं अभी जो बुल्गारिया में अभी हम गए थे. जी जी सर, जी जी सर, जी उसमें जो है थोड़ा सा कर देता हूँ, मेरी आवाज आप लोगों को ठीक आ रही है ना? जी जी सर. असल में देखें दो तीन चीज़ें हैं जो वहाँ पे बड़ी सीरियसली डिस्कस की गई है, ठीक है ना? और उनमें से एक तो ये था कि आपको पता है कि जो लैटिन अमेरिका का अपना वो था मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर होजे गोर्डो, जिसकी एक बहुत बड़ी टीम थी वहाँ पे लैटिन अमेरिका के अंदर और साउथ अमेरिका के अंदर, ठीक है ना? वो पनामा में एक इवेंट करने जा रहा था और पनामा में जब इवेंट करने जा रहा था और तमाम वाइल्ड लाइफ की कम्युनिटी को वो इनवाइट कर रहा था वहाँ पे इंक्लूडिंग अस, तो हमें कुछ न्यूज़ वगैरह मिली कि वो जो है वाइल्ड लाइफ का इवेंट नहीं होगा, उसने अपनी ही कोई कंपनी ओपन कर ली है. तो उस चक्कर में जो है वो सबको बुला रहा था. वो जब सारे एविडेंस आ गए तो पहले भी उसके ऊपर कुछ शक था इसी तरह काफ़ी लोगों को, तो उसको फिर सारे प्रूफ के साथ जो है लॉयर के जरिए जो है कंपनी ने उसको रिमूव एक्चुअली किया, ठीक है जी. तो जब उसको रिमूव किया क्योंकि वहाँ पे उन्होंने एक अपनी समझ लें कि किंगडम बनाई हुई थी, ठीक है ना, रियासत के अंदर रियासत कायम की हुई थी, यानी कि वो सिर्फ खुद ऊपर बैठ कर डोमिनेट कर रहे थे, नीचे किसी भी लीडर को मेम्बर को कोई भी यानी कि फ्रीडम वगैरह नहीं थी, ठीक है. खुद आते थे खुद जाते थे, सारा कुछ अपना लेन देन का मामला भी जो है खुद में अपने आते थे. तो हेलो सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही. जी आवाज़ आ रही है? जी सर अब आ रही है. जी तो मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने लेन देन के तमाम मामला अपने हाथ में किए हुए थे और लोग वहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान थे, लोगों को पता ही नहीं थे, यानी कि वो नहीं चाहते थे कि जो लोकल आवाम है जो लीडर्स हैं या जो वाइल्ड लाइफ की जो आम कम्युनिटी है वो कॉरपोरेट के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करें, ठीक है, या कॉरपोरेट को डायरेक्ट अप्रोच करने की कोशिश करें. तो उनको एक किस्म का इस तरीके से जो है ना रखा हुआ था उन्होंने. तो जब वो छोड़ गए तो सबको परेशानी वहाँ पे थी कि क्या मसला है, अभी कैसे होगा सारा कुछ. तो वो तमाम लीडर्स जो थे उनको बुलाया गया था सोफिया के अंदर. फर्स्ट टाइम वो समझ लें कि 5 साल में कोई लैटिन अमेरिका से सोफिया के अंदर आया और बड़े बड़े अच्छे लीडर्स भी थे, इतने तो अच्छे लीडर्स के हम सोच भी नहीं सकते ना अपने के, बड़े एजुकेटेड लोग, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स, ठीक है, देख के मिल के बड़ी खुशी हुई उन लोगों से हमें. तो उनको जब यहाँ पे आके जब वो उनको कुछ ट्रेनिंग दी, सारा बताया और कुछ पावर थी उनके हाथ में दी, फ्रेंचाइजीज अवार्ड रिवार्ड दिए गए, इनर सर्कल में भी कुछ लोगों को डाला गया, उसके बाद फ्रेंचाइज ट्रेनिंग जो थी वो भी दी गई उन सबको. तो एक ये बड़ा मसला था जो कंपनी ने हल किया अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना, वरना वहाँ पे एक किस्म का समझ लें कि बहरान आ चुका था. तो वो मसला ठीक हुआ, एक वो मसला ठीक करना था. दूसरा जो जीएलजी है, जीएलजी ग्रुप एक बड़ा पुराना ग्रुप है, ठीक है ना, और उसके अंदर इस वक्त हमारे पास जो है तकरीबन
और अगर देखा जाए तो ये पुराने लोग भी हैं उसके अंदर, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि एक्टिव ही नहीं है या दूसरी कंपनीज में काम कर रहे हैं या फजूल में अपना नाम यूज कर लेते हैं कि जी हम GLG हैं, ठीक है, लेकिन बेसिकली वो ग्रुप एक किस्म का इतना एक्टिव भी नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने जब मैं वियतनाम में गया हुआ था 2-3 हफ्ते पहले, तो वहाँ पे मेरी बात हुई थी लीडरशिप से, मैंने कहा कि GLG को रीस्ट्रक्चर किया जाए, ठीक है, हमें 288 लोग नहीं यहाँ पे चाहिए, बस खाली 88 लोग भी होंगे वो काफ़ी है हमारे लिए, ठीक है ना, क्वालिटी हमें चाहिए, क्वान्टिटी हमें नहीं चाहिए, वो लोग चाहिए जी जो देखे ना जो बाहर जाके लोगों की हेल्प कर सके ना, लोगों के सवालों के जवाब दे सके, लोगों से मिल सके, या लोगों को कोई सपोर्ट, कोई वेबिनार, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई अपडेट्स प्रोवाइड करते रहे, ठीक है। GLG में मुझे कोई बताएं 300 लोग हैं, कितने लोग हैं जो बाहर आकर लोगों की हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, या वेबिनार्स कर रहे हैं, या इस तरह का, तो कुछ भी नहीं है ना। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा ना एक अजीब सी फीलिंग होती थी कि यार ये फजूल में लोग बैठे हैं, और जो काम के लोग हैं उनकी कोई वैल्यू ही नहीं, क्योंकि बेफजूल लोग, फजूल के लोग वहाँ पर अंदर बैठे हुए हैं। तो वो रीस्ट्रक्चरिंग जो है वो अभी होने जा रही है, हमें पता है कि कौन से एक्टिव लोग हैं, कौन से लोग अपने ग्रुप की हेल्प कर रहे हैं अपनी अपनी कंट्रीज में। हम चाहते हैं कि कंट्री में 5-6 से ज़्यादा लोगों से ज़्यादा GLG मेम्बर्स ना हो, जो अपने अपने रीजन को प्रजेंट करें, इंफॉर्मेशन दें, राइट इंफॉर्मेशन पास करें, उनके साथ रेगुलर वेबिनार्स करें, रेगुलर मतलब कि उनको इन्फॉर्मेशन जितनी भी है सारी कंपनी से आती है पास करें, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है उसको सही तरीके से गाइड करें, बस ये GLG का जो है बेसिकली। तो एक तो ये था, उसके बाद एक दो चीज़ें और भी हुई, तो वो भी जो है उसके ऊपर एक अनाउंसमेंट जो है कंपनी करेगी, वो जो एक हमारी मीटिंग हुई थी उसके ऊपर कंपनी की अनाउंसमेंट आएगी इंशाल्लाह। आप मुझे उम्मीद है कि इस महीने के एंड तक अनाउंसमेंट भी आ जाएगी, उसमें कुछ चीज़ें कंपनी अनाउंस करेगी जिसके ऊपर लेके हमें एक किस्म का रोड मैप मिल जाएगा और लोगों को एक डायरेक्शन मिल जाएगी, ये अभी फाइनल डायरेक्शन। तो ये बेसिकली कुछ, आपकी नजर में पाकिस्तान के अंदर जो भी नेगेटिविटी हो रही है उसका क्या मेन कॉज है, और सेकंड जो मिसलीडिंग जो हुई है पहले भी और अभी जो ऑन गोइंग है एजुकेशन पैकेज की सेलिंग के हवाले से, पावर पैकेज सेलिंग के हवाले से, सर उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए पाकिस्तान के अंदर जो मिस सेलिंग हुई है, पाकिस्तान में नेगेटिविटी की सबसे बड़ी रीज़न ये है कि शुरू में जब 2015 में कुछ लीडर्स जो इस वक्त स्क्रीन से गायब हैं या जो भी ये बिजनेस अपना कर रहे हैं वो लोग आए और उन्होंने आके पाकिस्तान में टीम बनाई, और पाकिस्तान में टीम बनाई और उनको असल में कुछ लोकल लीडर्स का भी बहुत ज़्यादा कसूर होता है, क्योंकि जब लोकल लीडर ये देखते रहे तो मुझे मेरी कमीशन चाहिए, तो वो फिर इस चीज़ का ख्याल नहीं कभी कभी रखता कि भाई मैं सही गाइड कर रहा हूँ या गलत गाइड कर रहा हूँ, है ना। तो सारा जो है कसूर उन लोकल लीडर्स का और उन लीडर्स का है जो मिस गाइड करते रहे, जो ये लोगों को बताते रहे कि आप ये पैकेज बाई करें, ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, आप ये वाला पैकेज बाई करेंगे, इतने कॉइन आप बाई करेंगे और इतनी आपको प्रॉफिट हो जाएगी फ्यूचर में, ठीक है। हालांकि कंपनी आपको पता है कॉइन कोई भी नहीं सेल करता, शुरू से एक बात है कि एजुकेशन पैकेज की बात हो रही है। आपको पता है मैंने 3 साल पहले एक वीडियो बनाई थी उर्दू में, उसके 3 पार्ट्स बनाए थे, तो कुछ दिन पहले मैं ये सोच रहा था कि मैं ज़रा वो देखूँ तो यार मैंने क्या बोला था जब मैंने स्टार्ट किया था इसमें, वो मेरी फर्स्ट एवर वीडियो थी। तो मैं वो वीडियो कुछ दिन पहले देख रहा था और बड़े गौर से मैंने वो वीडियो देखी, और उसमें मैं मतलब कि मुझे बड़ी खुशी हुई कि पहले दिन से, उस वक्त कोई बंदा एजुकेशन की बात नहीं करता था ना, हर बंदा अंधा हुआ हुआ था, बस इसी तरीके से जो है ना लोगों को बेवकूफ़ बना के पैसा कमा लिया था। तो उस वक्त मैंने जो है, जब मैं पैकेजेस की बात करता हूँ स्टार्टर से लेकर टाइकून तक, या प्रीमियम होता था उसमें तो और इन्फिनिटी वगैरह होता था, तो मैं बता रहा हूँ कि लेवल 1 से 1 एकेडमी की एजुकेशन से लेकर लेवल 5 तक मैं वो बता रहा हूँ उसके अंदर, और प्रॉपर मैं बता रहा हूँ, और वो वीडियो आज भी रिकॉर्ड पर पड़ी है।
उस दिन से लेके मेरा तो आज तक कोई स्टैंड है, मेरी हर वीडियो 300 से ज्यादा वीडियोस है, हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टर्म्स कंडीशन बड़ी क्लियरली लिखी हुई है, ठीक है, कोई भी मैंने साफ लिखा है जी जो IMA की टर्म्स कंडीशन है, ग्लोबल कंपनसेशन प्लान है, AML पॉलिसी है या डील शेकर की टर्म्स कंडीशन है, अगर आप इन टर्म्स कंडीशन से इत्तेफाक नहीं करते तो मेहरबानी करके हमें ज्वाइन ना कीजिए, ये कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं, ना हम कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है, ठीक है, और ना यहाँ पे कोई गारंटीड आपको इनकम का प्रोमिस कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें पहले नहीं बताई गई जो लोग पहले आए। और मैं एक और बात ये भी आपको बता दूँ, जब मैं UK में यहाँ पे था तो हमें उस वक्त जो है हम मैप्स शेयर करते थे कि ये इस कंट्री का मैप है, इसमें इतने लोग हैं, इसमें इतने लोग हैं, इसमें इतने लोग हैं। अच्छा, उस वक्त हमें ये इतना पता था कि 70,000 लोग पाकिस्तान के अंदर साइन कर चुके हैं, ठीक है, ये 70,000 लोग पता कब साइन हुए थे, ये पहले साल ही साइन हो गए थे, ठीक है ना, क्योंकि जब कोई नई अपॉर्चुनिटी आती है ना, ठीक है ना, नई अपॉर्चुनिटी आती है और लोगों में एक जोश होता है, एक जज्बा होता है और लोग मोटिवेट होते हैं तो फौरन बस फिर उसको जो है ना पकड़ लेते हैं, ठीक है, मल्टी लेवल मार्केटिंग में हमेशा ही ऐसे ही होता है, ठीक है ना, स्टार्ट हमेशा मल्टी लेवल मार्केट में ऊपर जाता है और एंड जो होता है हमेशा वहां पे क्वाइट हो जाता है, किसी भी MLM की कंपनी में आप चले जाओ, ठीक है। तो ये 70,000 लोग उस वक्त आ चुके थे, जब मैं पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम गया हूँ उस वक्त भी 70,000 लोग थे और आज भी 70,000 लोग हैं, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर मैं भी पाकिस्तान में गया हूँ उस वक्त भी 70,000 लोग थे तो आज भी 70,000 लोग हैं, तो फिर हमने कैसे काम किया या हमारी कैसे टीम्स बनी। अच्छा, वो भी एक बहुत बड़ा, वो भी एक बहुत बड़ा समय लेके सरप्राइज है। वो हुआ इस तरह यूं कि जब पाकिस्तान में जाने से पहले ही, मैं अभी गया नहीं था, जाने से पहले ही तो मुझे कुछ लोगों ने, दोस्तों ने कराची से कॉन्टेक्ट किया, और जो जिन लोगों ने मुझे कराची से कांटेक्ट किया जो बाद में डायमंड्स बने, ठीक है, डायमंड रैंक तक भी गए, ठीक है, अच्छा काम उन्होंने किया, ये जो थे ये भाई ऑलरेडी वन लाइफ का हिस्सा थे, किसी और की टीम में थे, ठीक है ना, नाम नहीं लेना, लेकिन बात यह है कि वो ऑलरेडी वन लाइफ का हिस्सा थे, ठीक है, तो वन लाइफ का हिस्सा थे, तो उन्होंने कहा जी हम मतलब के काम करना चाहते हैं, ना हमारी कोई सपोर्ट होती है, ना हमें कोई इंफॉर्मेशन दी जाती है, ना अपडेट्स दी जाती है, तो आप मेहरबानी करें, आप सर आप जो है ना हमें गाइड करें, हम आपकी टीम ज्वाइन करते हैं, तो हम आपके साथ स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने उनको बोला कि देखें ये क्रॉस रिक्रूटिंग है, ठीक है, तो इसके लिए कंपनी से इजाज़त लेनी पड़ेगी, उसके लिए एक फॉर्म होता है जो फिल करके कंपनी को कंप्लायंस को भेजना पड़ता है, और कंप्लायंस अगर अप्रूव करे तो फिर आप उन लोगों को अपने अंडर ला सकते हैं। तो वो मैंने दो तीन फॉर्म्स थे फिल करके भेजे और उन्होंने जो है एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, क्योंकि उन्होंने एक रीज़न, क्योंकि जिसने क्रॉस जिसने दूसरी लाइन में जाना उसको एक्सप्लेनेशन देनी होती है कंपनी को कि क्यों वो अपनी ये लाइन छोड़ के दूसरी लाइन में जाना चाहता है, ठीक है ना। तो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी कि जी हमारे साथ ऐसे ऐसे पहले जो भी ज्यादतियाँ हुई, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती थी, गलत गाइड किया गया, गलत इन्फॉर्म किया गया, तो हमने इस बंदे के साथ काम करना, तो वो सारा एक्सेप्ट हुआ उनको, फिर वो मेरी लाइन में आए, ठीक है, UK वाली लाइन में आने के बाद, हाँ, फिर उन्होंने काम शुरू किया, काम स्टार्ट किया, तो जाहिर है उनके नीचे जो लीडर्स थे वो डुप्लीकेशन होनी शुरू होगी, लीडर्स ने फॉर्म्स भेजने शुरू कर दिए, ठीक है, कंपनी को जी हमें भी अपने लीडर्स के साथ ही जाना, समझे, तो वही लोग जो थे घुमा के एक ही सर्कल में चल रहे थे, कभी एक लाइन में कभी दूसरी लाइन में, ठीक है। तो ये कराची से दो लड़के डायमंड्स भी बने, दोनों भाई थे, उसके बाद उनके नीचे अच्छे लीडर्स भी थे, ठीक है, और दोनों भाइयों की मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, देयर इज नो डाउट, बहुत अच्छे, अच्छी फैमिली से उनका तल्लक है और बहुत पढ़े लिखे लड़के थे, ठीक है, और उन्होंने अच्छा लोगों को गाइड भी किया, ठीक है, पढ़े लिखे थे, समझदार थे और एजुकेटेड थे, ठीक है ना, डिग्री होल्डर्स थे और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था उनका मार्केटिंग फील्ड में दोनों भाइयों का। और ये फर्स्ट टाइम हुआ था कि पाकिस्तान में कराची में कोई दो लोग डायमंड बने और दोनों एक ही घर से बने, ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखें उनके लिए कुछ लोग थे, ठीक है ना, जो छोटे छोटे लीडर्स थे,
जो गलत फहमियाँ शायद उन्होंने फैलाई वगैरह हो या कोई प्रॉब्लम की हो, लेकिन जब मेरे तक कोई बंदा पहुंचता था या मेरी वीडियो देख लेता था तो उसका माइंड सेट बिल्कुल क्लियर हो जाता था। अब तक जो है मैं टीम्स मेरे साथ अभी भी हमारे इतने ग्रुप्स हैं लोगों के साथ, सब चैटिंग बात सारा कुछ होती है, आपको पता, सारे छोड़ के हमारे अपने छोड़ के चले गए हम, जिन्होंने हमें साइन किया था, जिन्होंने हमें लेके आए थे वो हमें छोड़ के चले गए, वो नहीं रहे तो दूसरों की क्या बात करें, तो उनका भी जो बर्डन था वो भी हमारे सर पे आ गया। तो बेसिकली नेगेटिविटी की यही थी कि वहाँ पे पहले लोगों को गलत कहा गया, फिर लोगों में जाहिर है अगर मैंने आपको बता दिया कि आप 10,000 लगाते हैं आपको 6 महीने के बाद 10,00,000 मिल जाएगा, अब आप उसके ऊपर 6 महीने अपने गुजार रहे हो, आपका वो माइंड सेट बन गया जो मैंने बताया, तो मैंने आपसे गलत बात की है, ठीक है ना, तो कसूर मेरा है, कंपनी का कसूर नहीं है, ठीक है। इस वजह से लोगों में जो है ना बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आई और लोग बहुत ज्यादा मतलब अगेंस्ट हो गए, लोगों के भी और कंपनी के भी, ये एक बहुत बड़ी वजह है। लेकिन मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि देखें बहुत से ऐसे लोग जो लेट से के हमारे क्रिटिक्स कह लें या 1.2 उन्होंने भी बहुत ज्यादा नेगेटिविटी क्रिएट की कि ये 2 नंबर फ्रॉड है, 2 पैसा स्कैम है, देखें बीबीसी भी ऐसे बोल रहे हैं, वो डॉक्टर ऊजा भी भाग गई है, वो उसका भाई भी पकड़ा गया है, सारे क्योंकि ये चोर है तो ऐसा है तो वैसा है, और भाई ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है मार्केट पर, ठीक है ना, और ये चीज़ें आप अगर आप ये बोले ना और डॉक्टर ऊजा तो भाग गई है और वो तो छोड़ गई, अब ये देखे ना आपके वर्ड्स जो मुँह से निकल रहे हैं ये डिपेंड करता है कि कैसे निकल रहे हैं, एक दूसरा बंदा हो सकता है जी उसने उसने इसको छोड़ दिया या रिजाइन दे दिया फैमिली की वजह से, या उसको कुछ पब्लिक में थ्रेट्स थी, ठीक है तो ये उसका राइट है उसने छोड़ दिया, ये एक अलहदा बात है, लेकिन अगर आप उसको ये बोलेंगे देखा ना भाग गई आपकी जिसने कंपनी बनाई थी, तो वो दो सेंटेंसेस जो है ना उसमें बड़ा फर्क आ जाता है, वो बड़ा फर्क पैदा कर, तो उसके बाद उसका भाई आ गया, भाई ने आके संभाला सारा कुछ, अब जब उसका भाई अमेरिका जा रहा था उसको हम सब ने कहा कि अमेरिका ना जाना, वहां पे मार्क स्कॉट का केस चल रहा है, वो जो आयरलैंड का अटॉर्नी था जिसने पैसे ट्रांसफर किए थे आयरलैंड से अमेरिका में, ठीक है, और वो मनी लॉन्ड्रिंग में अमेरिका ने बोल दिया कि भाई ये इलीगल पैसे आए हैं, ठीक है, अब मार्क स्कॉट 1 कॉइन का हिस्सा था किसी जमाने में, उसने 1 कॉइन से पैसा कमाया होगा, ठीक है, उस पैसे को जब उसने गलत तरीके से ट्रांसफर किया चाहे आयरलैंड में, अमेरिका में, पाकिस्तान में या दुनिया के किसी भी मुल्क में, तो ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है, ओके, लेट्स एडमिट दिस, लेट्स से कि आप हैं, आपने अगर 10,00,000 रुपया कमाया पाकिस्तान में बैठ के, अगर वो 10,00,000 रुपया अगर आपने लीगली कहीं पे भी भेजा है सही तरीके से टैक्स दे के, तो उसके ऊपर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आपने उसके ऊपर पैसा नहीं, टैक्स नहीं दिया और उसको गलत तरीके से आपने इधर उधर कर दिया है या दूसरे और भेज दिया आप अमेरिका रहे हैं, ठीक है, तो आपको तो डंडे पड़ेंगे सर, सीधी सी बात, ठीक है ना, तो कोई भी हो, तो उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ आपने एक चीज को देखना है कि कंपनी जो है, हमने ये देखना है कि डॉक्टर रूजा जो है पर्दे से गायब है पिछले 2 साल से लग से, ठीक है, उसका भाई जो है वो मार्च से अरेस्टेड है न्यूयॉर्क के अंदर, ठीक है जी, ये सारी चीजें हैं, आपने अब ये देखना है कि ये इतना कुछ होने के बावजूद भी ये कंपनी भागी क्यों है, या एग्जैक्टली इन्होंने ताले क्यों नहीं लगाए, मेरे ख्याल से तो इनको भाग के जाना चाहिए, बंद करते कहते कि यार हमारी रूजा भी चली गई, हमारा लीडर भी पकड़ा गया, सारा कुछ है, अभी तो कुछ चलाने वाला नहीं है, चलो ताले बंद करो, ताले लगाओ, चलो शाबाश भाई सॉरी, ठीक है ना, जिसने कोर्ट में जाना, जिसने जो उखाड़ना जाके उखाड़ना, तो नहीं ऐसा नहीं हुआ, तो हमने एक चीज और भी फील की कि मार्च के इंसिडेंट के बाद ये कंपनी मजीद अग्रेसिव होके बाहर आई, मजीद इंफॉर्मेशन, कभी आज तक एक्सचेंज पे अपडेट नहीं आई थी, वो समरीज आनी शुरू होगी, ये हो गया वो गया, एक अग्रेसिव स्टाइल कंपनी ने भी अपनाया, ठीक है, तो जिसने जिससे हम लोग भी बड़े हैरान है कि वाह यार ये लोग जो है ना ये पूरी यानी के तैयारी में बैठे हैं फाइट बैक करने के लिए, इन्होंने अपनी लीगल टीम भेज दी न्यूयॉर्क में, ठीक है, कॉन्सेंट इनका केस लड़ने के लिए अभी तक लड़ रही है सारा कुछ है, बेल का उन्होंने कहा बेल नहीं हुई, मतलब एक ऐसा बंदा जिसके ऊपर अब अभी कोई इल्जाम साबित नहीं हुआ उसको बेल तक नहीं दी, ठीक है, तो अमेरिका के कुछ अपने भी चीजें होती है, समझे ना, वहाँ पे जाहिर है
वो भी यही चाहते हैं कि ये कंपनी वगैरह बंद हो, सीधी सी बात है। That's a one more thing. Sorry to disturb you, sir. वो लंदन की जो क्लीयरेंस मिली थी थोड़ा सा उस पे भी जरा कुछ बोले। लंदन की क्लीयरेंस, हाँ देखिए वो यूके के अंदर, चले पहले मैं उस पर भी बात कर लेता हूँ। इस पर ये है कि उसके पहले कॉन्सल्टिंग की बात कर लें कि वो भी वहाँ पे भी उसको बेल नहीं मिली, ठीक है, लेकिन कंपनी चल रही है, ठीक है, कंपनी अच्छे चल रही है। कंपनी ने हर जगह पे अपनी लॉयर्स टीमें भी भेज के सारा कुछ ये सारा साफ कराने के, आपको पता अभी तक 187 इन्वेस्टिगेशंस हो चुकी हैं कंपनी के अगेंस्ट पूरी दुनिया में 5 साल के अंदर, छोटे छोटे केसेस कहें या बड़े बड़े केसेस कहें, इंडिविजुअल की तरफ से कहें, IMS की तरफ से कहें कि हमने पैसा लगाया था, इन्वेस्ट किया था, हमें नहीं मिला, सारे अपने अपने केस हार के अपने अपने घरों में बैठे, ठीक है ना सर। इनकी जब आप साइन अप करते हैं तो टर्म्स कंडीशन पढ़ लें, देख लें क्या कहते हैं, ठीक है। उसके बाद 187 की मैंने सब की बात कर दी, उसमें लंदन इन्वेस्टिगेशन भी आ जाती है, FCA की इन्वेस्टिगेशन भी आ जाती है, FCA की वेबसाइट के ऊपर जो है वार्निंग लगी हुई थी, पुलिस की वेबसाइट पे वार्निंग लगी हुई थी, लेकिन रिसेंटली मेट्रोपॉलिटन पुलिस की एक स्टेटमेंट आई जिसमें उन्होंने कहा जी हमने पूरी इन्वेस्टिगेशन कर ली है, हमें कुछ गलत नहीं मिला, ठीक है। और उन्होंने कहा कि हाँ अमेरिका के अंदर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उनके साथ हम कोऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ना तो कंपनी को के कोई एसेट्स हैं, ना कोई पैसा है, ना कोई ऐसी चीज़ है जिसको हम बेच के आप लोगों को दे सकते, ठीक है ना। और फिर उन्होंने अपनी एक चीज़ ये भी दोहराई कि देखें जब वार्निंग दी गई थी वेबसाइट पे 6 महीने वार्निंग ये रही थी कि वन कॉइन कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं, वन कॉइन कोई भी ऐसी क्रिप्टो करेंसी नहीं जो एक्सचेंज पे बिकता हो या सेल होता हो, तो ये अगर कोई भी बंदा इसमें पैसे लगाएगा तो वो 100% रिस्क के ऊपर लगाएगा और गवर्नमेंट उसकी जिम्मेदार नहीं होगी। और ये कानून पूरी दुनिया के मुल्क में है, चाहे वो पाकिस्तान हो या हो, दुनिया का कोई भी मुल्क हो, ये कानून है, गवर्नमेंट आपको तहफ़ फराहम नहीं करती। पाकिस्तान की भी अगर एग्जांपल ले लें, चाहे इंडिया की एग्जांपल ले लें, दोनों मुल्कों में इसके ऊपर अभी तक कानून नहीं है, यानी कि ये चीज इलीगल भी नहीं है। ये भी मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान में शायद इसको इलीगल वो बोलते हो, ठीक है, लेकिन इलीगल नहीं है, क्योंकि इलीगल वो चीज होती है जिसके ऊपर कुछ कानून होता है, लेकिन लीगल भी नहीं है, समझ आ गई, लीगल भी नहीं है, इलीगल भी नहीं है, ठीक है। जब कोई चीज लीगल और इलीगल नहीं होती तो इसका मतलब है कि अभी उसके ऊपर लेजिस्लेशन नहीं होगी, ठीक है, लेजिस्लेशन होगी तो इन द मीन टाइम जब तक लेजिस्लेशन नहीं होती तो ज्यादातर फिर जो है ना वो फिर एजेंसियों की मौज लगी रहती है, ठीक है ना, वो फिर मारता है इधर उधर आगे पीछे जिसकी जिसका जो लग जाए, लेकिन आपको जो है हमेशा लीगल ओपिनियन लेनी चाहिए, ठीक है। जैसे स्टेट बैंक की स्टेटमेंट आई थी कि आप लोग जो है अपना क्या कहते हैं वन कॉइन बिटकॉइन जितनी भी करेंसीज हैं ये लीगल टेंडर नहीं है, बिल्कुल ठीक है, उन्होंने बोला लीगल टेंडर नहीं है तो बहुत सी एक्सचेंजेस पाकिस्तान में बंद होगी, ठीक है। वन कॉइन इसलिए ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है क्योंकि इसमें मल्टी लेवल मार्केटिंग है, इनकी ब्लॉकचेन प्राइवेट है, डिसेंट्रलाइज्ड नहीं है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें जो हैं इसको अलहदा कर देती हैं उस इंडस्ट्री से, तो इसलिए उस इंडस्ट्री के लोग हक बजाने पर इसके ऊपर तनकीद करने के लिए जब वो तनकीद करते हैं तो वो अपनी इंडस्ट्री को सामने रख के तनकीद करते हैं, यार इसका तो लेना देना नहीं है, तो मैं तो कहता हूँ बिल्कुल लेना देना नहीं भाई, तनकीद ही की कर रहे हो, ये आप में से है ही नहीं, ठीक है ना, आप साइड पे होके अपना काम करें, और इनको अगर वो कोई इनोवेशन लेके आ रहे हैं तो इनको अपने आप को साबित करने दें कि क्या ये अपनी मार्केट में इंडस्ट्री में जगह बना सकते हैं या नहीं बना सकते। या सो यू गो फॉर योर नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच सर। सर अब मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा रियलिटी चेक करें, सर थोड़ा सा मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, जो बॉन्ड यू इन 2017 राइट, उस वक्त कराची के अंदर और सिर्फ कराची नहीं पूरे पाकिस्तान के अंदर वो ट्रेडिंग ये थी कि ये पैकेज ले लिए 8 अक्टूबर के बाद लाइफ चेंज हो सकती है, इट्स अ लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी राइट, काफी मिसलीडिंग हुई कि आप वहीं बेच सकते हो, इतनी प्राइस पर आएगा, इतनी प्राइस पर आएगा, ठीक है, बहुत सारे ट्रेडर्स की ये बातें थी। तो सर मैं उस पर चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि वन पॉइंट की एक्सचेंज क्या है, इसकी रियलिटी क्या है, हाउ विल द एक्सचेंज वर्क, और सेकेंडली डील शेकर के हवाले से थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन करें, जो अभी आप आपको खुद पता होगा सर पाकिस्तान के अंदर मोस्टली लोग आधे से ज्यादा लोग जो काम करना भी चाहते हैं वो ये कहते हैं यार एक्सचेंज के बाद करेंगे जब हमें लिक्विडिटी मिलेगी, तो सर इस पे थोड़ा सा एलैबोरेट करें। थैंक यू सो मच सर। देखिए एक्सचेंज की जो आप बात कर रहे हैं, पहले किसी जमाने में एक लोग का वो बस्टिंग वर्जन ने लॉन्च किया था, जब हमने ज्वाइन किया था उस वक्त एक्सचेंज थी और डेली लिमिट्स भी होती थी 60 यूरो या 120 यूरो की विड्रॉ करने की, हम करते भी थे,
तो लोगों को उस वक्त दिखाते थे, उस वक्त एक्सचेंज थी, ठीक है, बाद में वो एक्सचेंज बंद हो गई। और फिर वो जो 8 अक्टूबर वाली कहानी है, वो भी एक साहब है, वो कंपनी छोड़ के जा चुके हैं, उन्होंने सोफिया में जाके अनाउंसमेंट खुद ही कर दी, और लोगों ने जो है लोगों ने कहा कि बंदा सोफिया हेड ऑफिस से जाके अनाउंसमेंट कर रहा था, ये तो यही होगी। तो वो हालांकि 8 अक्टूबर कंपनी ने कभी नहीं बोला था। मैं आज तक मैं हर बंदे को बोलता हूँ कि भैया मुझे बताएं कि कंपनी की कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है। ओके, कट द स्टोरी शॉर्ट, कंपनी की ऑफिशियल स्टेटमेंट फर्स्ट टाइम आई है 2019 में। 2019 जो है वो एक्सचेंज का साल है, और जब भी आप लॉगिन करते हैं अपने वन लाइफ के बैक ऑफिस में, रेड में वो एक मैसेज भी चल रहा है वहाँ पे, जिसमें 2019 में लिखा हुआ है कि ये जो है एक्सचेंज का साल है। अक्टूबर आ गया, नवंबर आ गया, 2 महीने रह गए बाकी, ठीक है, तो 2 महीने बाकी रह गए, तो उसमें अभी भी टाइम है 2019 में, ठीक है। लेकिन एक्सचेंज कैसी होगी, क्या होगा, ये सारी चीज़ें देखें। मैं समझता हूँ कि एक्सचेंज के ऊपर इन्होंने बेसिकली जो ये चाहते हैं कि रेगुलेटेड एक्सचेंज हो, जिससे सर्टिफाइड का लाइसेंस मिले इनको, और उसके ऊपर जो क्रिप्टो करेंसी ट्रेड हो उसका भी लाइसेंस मिले इनको, कि भाई ये फला फला क्रिप्टो करेंसी अप्रूव्ड है इस तरीके करने के लिए, रिमिटेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए भी इनको लाइसेंस जो है वो भी वो ले रहे हैं, ठीक है। तो मर्चेंडाइज सर्विसेज, रिमिटेंसेज सर्विसेज और ट्रेडिंग सर्विसेज, ये तीनों सर्विसेज जो है आपको एक्सचेंज में मिलेगी, ठीक है। दिस इज द काइंड ऑफ एक्सचेंज दे आर ब्रिंगिंग एक्चुअली, ठीक है ना। तो बाकी उस पर लिमिट्स क्या होंगी इसके ऊपर, वो जो 10,000 वाली भी जो कहानी है, वो अभी बेसिकली दो किस्म की लिमिट्स होंगी, एक कंप्लाइंस लिमिट होगी, एक वैसे लिमिट होगी, ठीक है। तो अगर 10,000 की लिमिट है तो कंप्लायंस की भी अपनी एक लिमिट होगी। वो क्या लिमिट होगी, वो कंप्लायंस बाद में एक पॉलिसी स्टेटमेंट जो है वो अपना इशू करेगी, उसके ऊपर सारी टर्म्स कंडीशन लिखी होगी। ऑब्वियसली क्या, जब एक्सचेंज आएगी तो जब एक्सचेंज पे आप जाके साइन अप करेंगे, ठीक है ना, तो वहाँ पे ऑब्वियसली जो टर्म्स कंडीशन है वो तो ऑलरेडी वहाँ पे होगी, पढ़नी और एक्सेप्ट करके फिर साइन अप करना, ठीक है, और सारा माइग्रेट करेंगे सारा सिस्टम, ठीक है। और उसके बाद बल्कि वो सारा कुछ रेडी है ऑलरेडी, बस अप्रूवल्स की जो सारी चीज़ें छोटी मोटी रहती है वो ही रह गई है, कुछ हो गई है, कुछ हो गई है, लेट मी बस क्या हुआ है छोड़ रहे, कुछ अप्रूवल्स हो गए और एक आधा अप्रूवल हो, तो उसके लिए जो है अभी हम वेट कर लें, वही मेरे ख्याल से बेहतर होगा, इतना वेट किया थोड़ा और कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात बता दूं कि एक्सचेंज आने से ऐसा नहीं होगा कि आप सारे मिलियनर बन जाएंगे, ठीक है ना। एक्सचेंज आने का मतलब ये होगा कि फर्स्ट डे ऑफ वन कॉइन, ठीक है। अभी है हम इंडिपेंडेंट मार्केटिंग एसोसिएट फॉर लास्ट 5 ईयर्स, ठीक है, वन लाइफ में। और जब एक्सचेंज आएगी तो वो होगा वन कॉइन का पहला दिन, वहां पे पहले दिन से होंगी बड़ी स्ट्रिक्ट लिमिट्स, ठीक है, स्पेशली लिमिट्स। और डील शेकर के ऊपर ऑब्वियसली जो मर्चेंट्स हैं उनको थोड़ी सी प्रायोरिटी मिलेगी, ठीक है। लेकिन जो जो बेसिकली विजन है वो यही है कि देखे ना, अब मिसाल को चले एक्सचेंज पे बता दिया, अगला क्वेश्चन आपका डील शेकर पे है, ठीक है। डील शेकर पे आपने बात की, डील शेकर पे बात कर लेते हैं कि डील शेकर पे देखें, अब जो लेट से के कल मैंने एक वो अपना अपने इंडियन जो मेरे क्या कहते हैं कलीग्स हैं उनके साथ मैंने वीडियो बनाई और उसके ऊपर मैंने फार्मूला डिस्कस किया, और प्रूवन फार्मूला में ये डिस्कस किया कि जैसे वियतनाम है, जापान है, चाइना है, इटली है, रोमानिया है, ऑस्ट्रेलिया है, कोरिया है, ये वो कंट्रीज हैं जहाँ पे जबरदस्त बहुत ज्यादा मर्चेंट्स है, ठीक है ना, थाउजेंड्स ऑफ डील्स अप्रूव होती है मंथली, ठीक है, इन थाउजेंड। तो हम तो पाकिस्तान इंडिया तो बिल्कुल नजदीक नजदीक भी नहीं आता, खाते में नहीं आता हम, क्योंकि हम अपनी सोच में हम कैश आउट की सोच में है, ठीक है। अच्छा, वो लोग किस सोच में है, उधर उन मुल्कों में आप जाए, लोग भी ज्यादा, साइन अप भी ज्यादा, मर्चेंट भी ज्यादा, डील्स भी ज्यादा। एक्सचेंज की बात करें तो वो कहते हैं व्हाट इज एक्सचेंज, वो क्या होगा, कैसी होगी, ठीक है। अच्छा, उसमें वो इसलिए ये बात करते हैं कि भाई वो कहते हैं कि भाई हमारा कॉइन तो इस वक्त एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंजेबिलिटी है। वो कैसी एक्सचेंजेबिलिटी है वो जरा मैं आपको थोड़ा सा बता दूं मर्चेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर, कि एक मर्चेंट है उसने 80 रुपए ले लिए आपसे कैश में और 20 रुपए ले लिए, ठीक है, वो कॉइन 20 रुपए के उसके पास आ गए,
अब वो वही 20 रुपए की कॉइन है, उसने वो कॉइन यूज करके कोई और चीज बाय कर ली अपने ही प्लेटफॉर्म पे, अपनी ही कंट्री में, ठीक है, तो उसके कॉइन एक्सचेंज हो गए या नहीं हो गए, उसी प्राइस पे जिस प्राइस पे उसने लिए थे, ठीक है, तो उनकी एक्सचेंजेबिलिटी चल रही है विद इन द कंट्री, तो वो कहते हैं कि भाई जब एक्सचेंज आएगी देखी जाएगी, हमें तो कोई मसला नहीं। तो ये चीज इंडिया और पाकिस्तान इतने बड़ी मार्केट है, इनको ये पूरा रीजन डोमिनेट करना चाहिए, ठीक है ना, पूरा रीजन जो है डोमिनेट करना चाहिए, क्योंकि देखे ना चाइना दुनिया की हर चीज बनाता है वो, ठीक है, ये दो कंट्रीज भी दुनिया की हर चीज बनाते हैं, ये भी किसी से कम नहीं है, ठीक है, मतलब के ट्रेड में बहुत आगे है, पूरी यूरोप की मंडियों तक, अमेरिका चाइना जापान की मंडियों तक इन दोनों कंट्रीज की रसाई है, ठीक है ना, तो ये डोमिनेट कर सकते हैं। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होती हैं, मैंने रिजल्ट ओरिएंटेड और प्रोसेस ओरिएंटेड की बात की अपनी वीडियो के अंदर। एक होता है रिजल्ट ओरिएंटेड, वो सिर्फ यही देखता है कि यार मुझे बस रिजल्ट चाहिए, अच्छा अगर मैं ये काम करूंगा तो मुझे रिजल्ट क्या आएगा, ये वो बंदा ना अपने आप को एजुकेट करता है, ना वो मार्केट को समझता है, ना वो बिजनेस को समझता है, ना ही मैं इसको ऐसे बंदे को प्रोफेशनल समझता हूँ। जो प्रोसेस ओरिएंटेड बंदा है उसने देखना होता है कि अच्छा यार यहाँ से तो कोई बचत नहीं हो रही, तो वो क्या करेगा, वो बैठ के स्ट्रेटजी बनाएगा कि मैंने कैसे इसमें जाके अपने बिजनेस को लॉन्च करके कामयाब करना और प्रॉफिट भी बनानी, ठीक है ना, तो ये चीजें जो होती हैं, ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने मार्केट प्लान के ऊपर बात की, मार्केट प्राइस पे बात की कि मार्केट प्राइस जो है उसको कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है, उसके ऊपर मैंने बात की, समझाया कि भाई हमें अपने एरियाज में काम करके जो मर्चेंट्स लेके आने हैं, एक ही कैटेगरी में चार चार पांच पांच मर्चेंट्स जो है एक सेम कैटेगरी के आप इंट्रोड्यूस करवा दो, 3 महीने के बाद आप देखोगे मार्केट प्राइस क्या, मार्केट प्राइस से नीचे की प्राइस भी लोग आपको दे रहे होंगे। जब एक को लाके आप डोमिनेट करने की कोशिश करोगे, वो जब जब एक मर्चेंट ये देखेगा कि मैं अकेला हूँ, मेरा कोई कंपटीटर नहीं है, तो वो मार्केट से अबव प्राइस भी लेगा और ऑब्वियसली वो बैठा भी रहेगा। लेकिन जो प्रोसेस ओरिएंटेड लोग होते हैं, उनका माइंडसेट जो होता है वो ट्रांजेक्शन्स पे बिलीव करते हैं, ये नहीं देखते कि बिग शॉट्स कैसे खेल रहे हैं, वो ये देखते हैं कि भाई थोड़ा पैसा कमा लो, थोड़ी प्रॉफिट कमा लो, लेकिन ज्यादा ट्रांजेक्शन कर लो, कारोबार तो चल रहा है ना, ट्रांजेक्शन हो रही है, ज्यादा ट्रांजेक्शन होंगी तो प्रॉफिट मार्जिन एट द एंड ऑफ द डे वहीं पे चला जाएगा जो आप एक्सपेक्ट करते हैं, तो ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। तो डील शेकर के ऊपर, जाहिर है डील शेकर हमारी बैकबोन है, हमारा एक बहुत बड़ा सरमाया है, और उसकी वजह से आगे जाके हमें इंशाल्लाह कामयाब होना, तो ये डील शेकर की स्ट्रेटजी हर बंदे को अपनानी चाहिए, हमें चाहिए कि हम लोग बाहर आए पाकिस्तान में भी, खास करके जो लीडर्स हैं या जो एक्टिव लोग हैं या जो एक्टिव नहीं है उनसे मिल के, हर लीडर बाहर निकले, अपने 8-10 लोगों को बाहर निकाले, उनको बोले कि जाओ यार तुम्हें मैं 10 डील्स का टारगेट देता हूँ, विद इन 1 मंथ में ये 10 मर्चेंट का जो है अपना टारगेट पूरा करें, ठीक है, वो टारगेट पूरा होगा, जो ही वो टारगेट पूरा होगा तो खुद ब खुद आगे डील्स भी आना शुरू हो जाएंगी, एक्सचेंजेबिलिटी विद इन द कंट्री भी स्टार्ट हो जाएगी, और लोगों में फ्रस्ट्रेशन खत्म हो जाएगी कि यार एक्सचेंज बहुत लेट होगी, ठीक है ना, जब एक्सचेंज आएगी उस वक्त भी आपके ऊपर लिमिट्स होंगी, लेकिन जब तक वो लिमिट्स अच्छे तरीके से नहीं चली जाती ऊपर तक, तब तक कम से कम एक्सचेंजेबिलिटी तो हो ना, आप अगर आप अपने कॉइन की वैल्यू को कुछ ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं तो उस वैल्यू के लिए कुछ काम भी करें, ठीक है ना, बस यही लोग बाहर बैठ के क्रिटिक्स ये बोलते हैं बाहर के, यार ये तो कंपनी को काम करना चाहिए, हम क्यों काम करें, भाई कंपनी काम क्या करे, कंपनी को एडवर्टाइजमेंट तो नहीं ना करती, कंपनी तो MLM सिस्टम चला रही है, ठीक है ना, वर्ड ऑफ माउथ पे वो बिलीव करती है, ठीक है ना, इसलिए वर्ड ऑफ माउथ पे कर रहे हैं तो उसमें कंपनसेशन प्लान्स भी हैं, सारा कुछ है, तो वो चल रहे हैं, लोगों को अंडरस्टैंड करना चाहिए इस इंडस्ट्री। और कोई आपका क्वेश्चन है? यस सर, बस लास्ट 3 क्वेश्चन छोटे-छोटे क्वेश्चंस हैं सर, आपके अभी पाकिस्तान में जो डिग्री का पाकिस्तान में जो भी ऑनगोइंग प्रोग्रेस चल रही है उसके आपके क्या व्यूज हैं सर? जो डील शेकर के ऊपर जो अभी प्रोग्रेस कर रही है, देखो यार मुझे तो सिर्फ तुम नजर आ रहे हो, इसी बात मैं अप्रिशिएट करता हूं कि आप जो हो इतना मेहनत कर रहे हो, सारा कुछ कर रहे हो और बगैर किसी लालच करके कर रहे हो, लोगों को पता है कि डील शेकर में कोई खास इतना कंपनसेशन प्लान भी नहीं है, और जो ना आपने नेटवर्किंग तो आपने वाइल्ड लाइफ में की नहीं है, आप मैं मतलब कि ये बोल सकता हूँ ऑन द रिकॉर्ड कि आपने आज तक एक बंदा साइन नहीं किया, एक बंदा जो होता है आपने साइन नहीं किया, ठीक है, तो उसमें तो आपने काम नहीं किया। डील शेकर पे आपको शौक था काम करने का, ठीक है, आपको अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिली है और आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैं समझता हूँ कि अच्छे तरीके से निभा भी रहे हो, लेकिन बात यह है कि मैं चाहता हूँ कि इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर होना चाहिए दूसरे लोगों के साथ, लोगों को मजीद लोगों को आगे आके इसका हिस्सा बनना चाहिए और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में अपना थोड़ी कंट्रीब्यूशन करनी चाहिए।
लोग जितना ज्यादा आएंगे आप सिर्फ ये मत देखेंगे आपने पैकेजेस लोगों ने खरीद लिए, हमारे पास तो कॉइन है, हमको तो बेचना है, हमको तो कैश आउट करना है। भाई आप लोगों से लोगों ने झूठ बोला है, आप लोगों से आपके लीडर्स ने आपको सबज बाग दिखाए हैं, आपसे कमीशनें कमाई हैं। अब गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, गुस्से को थूक दें, मामले को समझें, जो हकीकत है उसको एक्सेप्ट कर लें, ठीक है। और खुशी की बात यह है कि ये कंपनी आपकी भागी नहीं, आपकी 500 कंपनियां भाग गई। आप लोग जो यहाँ पे बैठ के सुन रहे हो, आपने खुद 500 कंपनीज में यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, सब आपका पैसा लेके भाग गए, आज तक आप किसी का कुछ उखाड़ नहीं सके, ठीक है ना। ये कंपनी आपसे पैसा नहीं अब मांग रही, आपको ये नहीं बोल रही जाओ जाके पैकेज बाय करो, इधर करो उधर करो, ये कंपनी आपके साथ है, आपको कह रही है कि अब जो आपके पास है उसको यूजफुल बनाने के लिए आए मिलके काम करते हैं। हम सब इस वक्त जो काम कर रहे हैं, हम सर जी फीस भी लीला कर रहे हैं, ठीक है ना। कोई पैसे या कोई हमारे पैकेज या कोई वो कमीशन कमीशन इस तरह का कोई ऐसा चक्कर नहीं है, ठीक है ना। ये क्या है कि एक जमीर की आवाज है, ठीक है ना। अब बहुत इजी होता है कि बोलना का यार ये तो दो नंबर कंपनी। जितने भी लीडर्स आज तक गए हैं, जबरदस्त लीडर थे, उनकी जरा स्पीचेस सुने, वीडियो सुने, और जब वो छोड़ के गए तो बोला यार हाँ मैंने तो अब देखा ये तो ब्लडी स्कैम था, ये तो धोखा था। बताओ यार रुझे ही भाग गई, 2 साल हो गए, और यार अमेरिका ने उसके भाई को पकड़ लिया, ठीक है। दो नंबर कंपनी है ये, दो नंबर कंपनी है होगी भाई, दो नंबर। जब तक उसकी वेबसाइट्स और सारा कुछ चल रहा है और वो फाइट बैक कर रहे हैं, ये एक नंबर कंपनी, ठीक है। इसलिए आप लोगों को अंडरस्टैंड करना है। अब आप इसको खुद दो नंबर बना दे तो ठीक है, फिर आपके जो पैकेज पुकेज सारे कुछ कॉइन पड़े उनको गटर में फेंके, जाए किसी और बिट कनेक्ट से जाके और दे वहां पे और अपने साथ स्कैम कराए। तो इस अपॉर्चुनिटी को, इसका फायदा उठाएं। अभी भी ये कंपनी आपके हाथ में है, आपकी कंपनियां, आपका सरमाया अभी भी आपके हाथ में है। अगर आप इससे कुछ बेनिफिट लेना चाहते हैं तो डील शेकर पे आ जाएं, ये मेरा आपको मशवरा है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैं अगर खड़ा हुआ हूँ ना तो मैं आपके लिए, आपके फैमिलीज के लिए खड़ा हुआ हूँ, अपनी फैमिलीज के लिए खड़ा हुआ, ठीक है। मेरे काम करने से, मेरी आवाज से बेनिफिट अगर होता है तो हर उस बंदे को भी होता है जो मेरी टीम से नहीं है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है। तो हम आपकी आवाज है, आप हमारी आवाज बन जाए। अगर कामयाब होना है तो आए, हाथों में हाथ मिलाएं, तो डील शेकर पर मिलकर काम करते हैं, अफान का सबका साथ दें, जितने भी पाकिस्तान में लीडर्स बैठे हैं। देखिए कुछ लीडर्स मैसेज करते हैं सर हमारी आईडीज फ्रीज हो गई हैं, हमारी हेल्प कर दे। भाई मैं आपकी कैसे, मैं किसी ऐसे बंदे की कैसे हेल्प कर सकता हूँ जो एक्टिव ही नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि वन लाइफ एक बहुत बड़ा लीडर जो हर हफ्ते वेबिनार करता है, हर महीने में एक्सपो करता है, उसकी आईडीज फ्रीज हो गई, कुछ गलती होगी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है, नाम नहीं उसका मैं लेता, उसकी आईडीज फ्रीज हो गई। लेकिन वो बंदा काम करता रहा करता रहा करता रहा, उसने कहा ठीक है आईडीज फ्रीज तो फ्रीज सही, उसको कंपनी ने बुला लिया कि आप सोफिया आ जाए, सोफिया गया, वहां पर गया, सारी आईडीज उसकी ओपन हो गई। भाई अगर आप अपनी आईडीज ओपन करवाना चाहते हैं तो डील शेकर पे एक्टिव हो जाए, आपकी कोई एक्टिविटीज नजर आएगी तो मैं वो एक्टिविटीज लेके कंपनी के आगे रख दूंगा, यार ये बंदा मुखलिस है, ठीक है ना, ये कंपनी के लिए, कंपनी के इकोसिस्टम के लिए काम कर रहा है, आप इसकी आईडीज ओपन करें। वो आईडी मैं देखूंगा कैसे आईडी ओपन नहीं होती, लेकिन घर बैठ के अगर ऐसी बोले कि आईडीज ओपन हो जाए, मैंने कॉइन इधर तो कॉइन तो आपके वन कॉइन में पड़े हुए हैं, वो ले लें, उसको जो करना कर लें जाके वन कॉइन, ठीक है ना। ये सारी चीजें हैं सर जी, इसके ऊपर बस ख्याल रखते, बाकी वेल डन, पाकिस्तान इज डूइंग वेरी गुड, लेकिन सिर्फ 75 डील्स है जो कि बड़ी शर्म की बात है। 70,000 लोग और 70 डील डूब के मर जो सारे। अभी सर बहुत काम है, बहुत डील शेकर बल गया बस पाकिस्तान में, और इंडिया के अंदर मेरे ख्याल से 1,00,000 लोग और 100 डील भी नहीं है, ठीक है ना। तो अब जाके मैंने वो पहले जितना सारा खराब हुआ था, अब जाके शुक्र है वो अच्छे लीडर्स जो थे वो साथ आए हैं, उन्होंने अभी काम करना शुरू किया, तो अब जाके डील्स डेली बेसिस पे आने शुरू, क्योंकि पहले लोगों को पता ही नहीं होता था प्रोफाइल कैसे बनानी है, उसको अप्रूव कैसे करना है, डील कैसे लगानी है, टाइटल कैसे लगाना है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा हो गया, इंडिया में भी ठीक जा रहा है और पाकिस्तान में भी आप बड़ा सही कर रहे हो, और बस मैं ये कह रहा हूँ कि आप सामने आके इसको मजीद आगे लेके जा रहे हैं। जी जी सर, ये सर जो YouTube पे जो इतनी मिसलीडिंग हो रही है इंडिया में भी पाकिस्तान में भी, मैं चाहूंगा कि आप सर थोड़ा सा क्लैरिफाई करें कि लोगों को किसको इन एग्जैक्ट फॉलो करना चाहिए। अच्छा अच्छा YouTube पे यार मैं देखता हूँ कि कोई भी बंदा आता ना उठ के मेरा नाम लेके नीचे
मोहम्मद अदील ने बता दिया कि एक्सचेंज आ रही है और एक्सचेंज आ गई है और बस ना डेट अनाउंस हो गई है, ये लो जी सितंबर आ गया, अक्टूबर आ गया, नवंबर आ गया, दिसंबर। अच्छा यार ऐसे गेमर है, मुझे फिर लोग मुझे वीडियोस भेजना शुरू कर दी भाई आपने बोला, मैं कहता हूँ यार आप लोगों का दिमाग, वीडियो आप देख रहे हो पूछ मुझसे रहे हो, अच्छा वीडियो आप देखो और उस वीडियो में देख के मुझे ये बताओ कि मैंने कहाँ पे ऐसा बोला। ठीक है, असल में ये क्या है कि कुछ लोग हैं जो लोगों को मिसलीड इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी मजबूरी है। मजबूरी क्या होती है, कुछ लोगों का शायद समझ लें कि आप समझ लें आप किचन ही शायद उन व्यूज से चलता है। ठीक है, मैं अभी उनके ऊपर क्रिटिसाइज भी नहीं करना चाहता, बुरा भी नहीं बना, आखिरकार लोग तो हमारे ही मुआशरे के लोग हैं ना, हमारी सोसाइटी के लोग हैं। ठीक है ना, तो शायद उनका किचन इसलिए चलता है, लेकिन आप अगर मिसलीड किए करेंगे, गलत इन्फॉर्मेशन देंगे, ठीक है, देते रहेंगे तो फिर कब तक लोग इसके ऊपर आप मतलब के यकीन करेंगे या कब तक बर्दाश्त करेंगे इस चीज़ को। तो मैं खास करके एक दो वीडियोस पे जो है ना आपको मिसाल के तौर पे उसकी एग्जांपल देना चाहता हूँ कि जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब के मिसलीड किया गया। फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो यू कपल ऑफ थिंग्स हियर, ये मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आपको? अगर आप इसकी ये जो दो मिनट की और इसके व्यूज देखें तकरीबन 2000 से ऊपर के व्यूज हैं, कल इसने ये चलाई है ये वीडियो, ठीक है, और उसके बाद नीचे इन्होंने कुछ डिस्क्रिप्शन में इनके आ जाए, जरा डिस्क्रिप्शन चेक करें, लिखा हुआ है वन कॉइन एक्सचेंज कंफर्म बाय जीएलजी मेंबर मोहम्मद अदील, वन कॉइन एक्सचेंज लिस्टिंग डेट 28 दिसंबर। माय गॉड, कैन यू इमेजिन, उसने 28 दिसंबर डेट भी दे दी है। अच्छा उसके बाद फिर उसने एक लिंक दिया यहाँ पे, फ्री क्रिप्टो ट्रेडिंग सिग्नल्स। हाँ ये बात, अच्छा यहाँ पे सिग्नल बिक रहे हैं, फिर जब यहाँ पे आप इनका ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो वो फिर वहाँ पे आपको सिग्नल देने के लिए बोलेंगे कि हमसे क्रिप्टो करेंसी भी बाय करो, ये भी बाय करो, वो भी करो, सिग्नल भी ले लो। ठीक है ना, पूरी रेडी लगी होगी और पूरी फ्रूट की हर किस्म की एग्जाम वहाँ पे होगी। अच्छा दूसरा फिर उन्होंने अच्छा दूसरा लिंक देखे, अच्छा न्यूज वन कॉइन की, नाम मोहम्मद अदील का मिस यूज हुआ है, डेट 2 नंबर और नीचे अकाउंट बनाए बायनांस के ऊपर, और साथ में भाई ने अपना लिंक भी दिया क्योंकि उसको $5-10 तो मिलेंगे अगर बल्दा वहां पे ट्रेड करेगा। अच्छा जी, और उसके बाद नीचे लिखा हुआ है कि वन कॉइन लेटेस्ट अपडेट्स, वन कॉइन ब्रेकिंग न्यूज, वन कॉइन गुड न्यूज, वन कॉइन स्कैम और नॉट, वन कॉइन 100% अच्छा वन कॉइन सून लिस्टिंग ऑन एक्सचेंज, वन कॉइन लॉन्चिंग डेट कन्फर्म, वन कॉइन ट्रेडिंग स्टार्ट, डील शेकर सुपर स्टोर इन फैसलाबाद, वन कॉइन एक्सचेंज लॉन्चिंग डे। ठीक है जी, ले जी डिस्क्रिप्शन चेक करें और लिंक चेक कर लें, यहाँ पे ना इनका कोई वन लाइफ का लिंक है, ना मर्चेंट का कोई लिंक है, लिंक इन्होंने दिए हुए हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग सिग्नल्स के और बायनांस पे साइन अप करने के, ताकि वहां पे जाके आप पैसा डुबो। अच्छा जी, उसके बाद नीचे कुछ कॉमेंट्स भी लोग कर रहे हैं, शकील बुखारी साहब कहते हैं 28 को भी नहीं आएगी। अच्छा मलिक यासर साहब कहते हैं बस ये औकात है आपकी इन्फॉर्मेशन की, वो 28 और फिर 29 अक्टूबर वाली वीडियो भूल गए। अब उसी मुंह से दिसंबर तक पहुंच गए हो, भाई ये सब बकवास है, कोई एक्सचेंज नहीं आने वाली किसी दिसंबर में भी। वाह वाह यासर साहब, जबरदस्त कमेंट्स आपके। उसके बाद नदीम अली गाली दे के बोलते हैं वो बनाया हुआ है इन्होंने। उसके बाद कहते हैं व्हाट ईयर, ठीक है, फिर सन सन साहब कहते हैं जी कौन से साल, फिर मोहम्मद राउ साहब ने कमेंट किया फालतू बकवास कर रहा है, ठीक है, आगे फिर नदीम अली साहब हैं वो कहते हैं कोई एक डेट तो सही बता दो जब देखो फेक न्यूज। उसके बाद इमो लिब्रे साहब ने जो है लिखा है कि फेक यू, असल में वो कुछ और लिखना चाहते थे लेकिन स्पेलिंग गलत है तो उन्होंने लिखा। अच्छा जी, एक पे ये है। अब इसके बाद अगर इन्हीं के चैनल पे हम क्लिक करें
ये चैनल है, इसका नाम नहीं मैं लूंगा, और इन चैनल के ऊपर वीडियोस में चलेंगे। जब वीडियोस में जाएंगे तो हम देखेंगे, ये देखें जी, ये वीडियो के ऊपर जो इन्होंने थंबनेल लगाया है, मेरी फोटो लगी हुई है, और मैं इसी वीडियो के वसातत से इस चैनल वाले को मैं ये वार्निंग दे रहा हूँ कि ये सब जो मेरे आपने पोस्टर्स और मेरी वीडियो, मेरी मेरी जो तस्वीरें आपने बगैर इजाज़त के और मेरा नाम बगैर इजाज़त के जो आपने इस्तेमाल किया है, आपको मैं कॉपीराइट क्लेम के साथ साथ डिफेमेशन क्लेम भी पाकिस्तान की कोर्ट से भिजवा सकता हूँ। आपको फौरन ये वीडियोस, ये मेरा नाम और ये सारी चीज़ें जो है रिमूव करनी है, वरना ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये सारा जो है प्रूफ मेरे पास आ चुका है। आप देखें कि कितनी ज़्यादा यहाँ पे कितना ज़्यादा मिसगाइड किया गया है। वन कॉइन एक्सचेंज कन्फर्म मेरी फ़ोटो लगी हुई है, फिर यहाँ पे वन कॉइन एक्सचेंज फाइनली अनाउंस, दूसरी वीडियो देखें दो दिन पहले, फिर छः दिन पहले की वीडियो देखें, वन कॉइन वन लाइफ डील शेकर फ्रेंचाइज, ठीक है, यहाँ पे भी मेरा पोस्टर लगा हुआ है। उसके बाद फिर ये छः दिन पहले एक और वीडियो है वन कॉइन के ऊपर है। अच्छा, मज़े की बात है कि सारे के सारे जो है ज़्यादातर ये सब वन कॉइन के ऊपर है, ठीक है, और ये देखें यहाँ पे भी मेरी फ़ोटो लगी हुई है, ठीक है, और उसके बाद ये सारा जो नज़र आ रहा है, और जब आप इनकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे जाते हैं, अच्छा तो चैनल क्या है, ये अबाउट चैनल के बारे में तो ज़रा पढ़ा। अच्छा जी, हाय फ्रेंड, दिस इज़ अर्निंग, ओके ठीक है, और ये है, ये आ गया जी बिजनेस स्मॉल ट्यूब, इनका ईमेल है, ये मोबाइल व्हाट्सएप नंबर आ गया, ट्विटर हैंडलिंग अकाउंट भी आ गया और फेसबुक पेज भी आ गया। अच्छा, हमारे पास तो इनके सारे प्रूफ आ गए, तो बहरहाल ये इनका ये है, और बाकी जो है आपने के साथ है। अच्छा, इसको करते हैं बंद और अब एक दूसरे जो है उसके ऊपर देखते हैं। ये एक दूसरा चैनल है, नज़र आ रहा है आपको? जी जी सर। तो ये एक है जी, वन कॉइन एक्सचेंज डेट अनाउंस बाय जीएलजी मेंबर मोहम्मद। अंदाजा करें, मेरा नाम लिया और पूरी वीडियो में मेरा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना, और इनके जरा डिस्क्रिप्शन में आ जाए। अच्छा, इनके व्यूज देखें जी, 7,000 के करीब व्यूज हो गए हैं। 22 तारीख को उन्होंने वीडियो लॉन्च की है, लगाई है, और नाम मेरा यूज किया, जीएलजी मेंबर मोहम्मद अदील, और ना मैं इन साहब को जानता हूँ, ना आज तक मेरी इनसे कभी बात हुई है, और मुझे कोई पता नहीं कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। अच्छा, सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट्स, अच्छा, एंड मोर देन वन कॉपी ट्रेड अकाउंट, अच्छा जी, ये है ओक्टा एफ, अच्छा ये इनके कुछ लिंक है नीचे, अच्छा जी, मैं वन बाय वन लिंक ओपन करूँगा, तो ये वन कॉइन के लिंक हैं, ये क्या प्रमोट कर रहे हैं भाई साहब, ले जी ये वेबसाइट ओपन हो गई जी, ओक्टा एफ एक्स, ले जी ये एक आ गया जी, ये फॉरेक्स ट्रेड कर रहे हैं यहाँ पे, दूसरा लिंक चले जाए जी, आई क्यू ऑप्शन अकाउंट, लो जी ये भी कोई ड्यू टू रिक्वायरमेंट ऑफ क्रिप्टो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, आईक्यू ऑप्शन डज नॉट कोऑपरेट विद दिस वेबसाइट, भाग गए हैं ये तो, तीसरा लिंक, अच्छा जी तीसरा लिंक जो है ओपन स्क्रिल अकाउंट, अच्छा जी स्क्रिल अकाउंट भी हम लोगों को आता है जो लोग फॉरेक्स का काम करते हैं, तीसरा लिंक भी आपने देख लिया, ये जी स्क्रिल आ गया, ठीक है जी, कोई वन कॉइन या डील शेकर नहीं है। उसके बाद आ जाए जी चौथा, आ जाए जी चौथा लिंक है, ये इनका भाई साहब का फेसबुक का लिंक है, फेसबुक के लिंक पे आ जाते हैं, अच्छा जी आर एस अकेडमी, ये तीसरा लिंक आ गया जी, उसके बाद वन टू थ्री और चौथा लिंक फेसबुक पर, पांचवा लिंक है मास्टर ग्रुप व्हाट्सएप, अच्छा जी व्हाट्सएप ग्रुप पर, चलो यहाँ से हम डाउनलोड करना पड़ेगा, लेकिन इसको ग्रुप को भी हम देख लें। अच्छा जी, आप देखें, बात करने का मकसद ये है कि ऊपर मेरा नाम लिया गया जी एल जी रोवर का, गलत इन्फॉर्मेशन फैलाई गई, और प्रमोट क्या कर रहे हैं नीचे, अपना फॉरेक्स का चोरन, ठीक है जी, अपनी वेबसाइट, ठीक है, जो कि बहुत ही गलत बात है, ठीक है। अब आप कमेंट्स में जरा चेक करें, वेयर इज द डेट, ठीक है, अब जिस बंदे ने वीडियो देखी है वो कहता है भाई किधर है डेट दिखा, बिकॉज डेट है ही नहीं, मिसलीड किया उसने, ठीक है। अब यासर साहब कहते हैं जी वी आर वेटिंग फॉर फ्यू लास्ट ईयर्स, बाहर है। अब तीसरा बंदा कहता है बस कर दो, 1.21 सेंचुरी का बिगेस्ट स्कैम है, मोर देन 3 बिलियन, 21वीं सदी का वन कॉइन जो है सबसे बड़ा स्कैम है, ये तो $3 बिलियन खा गया ईगल गेमर का, ठीक है जी। उसके बाद है बिलाल खान साहब, कहते हैं पता नहीं कब आएगी, बिलाल साहब जो है बेचारे रूखे रूखे ही बोलते हैं। आगे कैप्रिकॉर्न है, वो कहता है भाईजान सबको इंतजार है, चले कम से कम अच्छे कॉमर को आए।
अच्छा जी पुलसर साई गुड न्यूज, पता नहीं ये पुलसर साई को क्या गुड न्यूज यहाँ से मिली है। उसके बाद अक्षय कुमार साहू गुड न्यूज, जैसा पता नहीं क्या गुड न्यूज है। उसके बाद जी रंभूपाल रेड्डी वन को एक्सचेंज डेट मिली है, उसने सारी वीडियो देख ली और पूछ रहा है कि भाई एक्सचेंज डेट है कि नहीं। उसके बाद जी लव लाइफ केवाईसी नॉट अपडेटेड आफ्टर सेंड केवाईसी अबाउट मी मेल आईडी, वो भाई केवाईसी अपना इधर पूछ रहा है इससे। अच्छा जी आपने अपनी वीडियो देखने का बहुत टाइम जाया किया है छोटी सी बात पे। अच्छा जी गेट ब्यूटी एंड हेल्थ टिप्स वाले कह रहे हैं कि छोटी सी बात पे आपने इतना लोगों का टाइम जाया कर लिया और एक्सचेंज में। और आखिरी जो कमेंट है वो लिखा हुआ है कि सच बोलो, ठीक है ये एक बहुत बड़ा मैसेज है, ठीक है और मेरा भी यही मैसेज है। अब सर हम थोड़ी सी नजर दौड़ा लेते हैं आपके चैनल के ऊपर, आपकी चैनल की वीडियोस जो हैं वो क्या क्या है। जी ट्रेडिंग आप बिल्कुल इजी 98% आईक्यू ट्रेडिंग हो रही है और ये आईक्यू की वेबसाइट इनकी ये पड़ी हुई है जी जो लिंक है, ठीक है शायद ये भाग गई है कंपनी या कुछ इस तरह का कुछ चक्कर है लिहाजा जरा केयरफुल। उसके बाद वन कॉइन एक्सचेंज वेरी क्लोज, आपने ये यहाँ पे बाय यूएस से लिखा है। 3 दिन पहले जो वीडियो आपने बनाई है यहाँ पे आपने मेरी फोटो यूज की हुई है थंबनेल पे, मेरा नाम यूज किया हुआ है, ठीक है और इसी तरह से आपने मजीद और भी कुछ वगैरह सारा कुछ बनाई हुई है उसमें आपने फोटोज और सारा ये मवाद जो यूज किया हुआ है इससे अभी फिर आपने 8 महीने पहले एक वीडियो बनाई है जिसपे मेरी फोटो फिर नजर आ रही है। आपने ये सब आपको कॉपीराइट क्लेम और डिफॉर्मेशन क्लेम जो है जा सकते हैं। यहाँ पे आपने हबीब साहद की अपना अनुराग शाह और उनके बेटे की जो है वीडियो अपना फोटो यूज की हुई है, यहाँ पे भी सैयद अनुराग शाह साहब की फोटो यूज कर उनकी इजाजत से आपने ये यूज की है तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी इजाजत से मेरी फोटोज और मेरा नाम आपने यूज नहीं किया, ठीक है और आपने बनाई है ये बिल्कुल इलीगल है, आपको क्लेम जा सकता है और आपको मैं नोटिस भी भिजवा सकता हूँ और एज ए प्रूफ ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे सेव कर ली हैं। आपका चैनल जो है आप ये कह रहे हैं कि ठीक है यानी कि आप अपने चैनल में बता रहे हैं कि आपने चैनल बनाया अडोब फोटोशॉप के लिए उर्दू में और आप कह रहे हैं कि ये अमर्जिंग और लीडिंग चैनल है जो बड़ा अच्छा नॉलेज और स्किल्स प्रोवाइड कर रहा है, विच इज नॉट राइट। वीडियो एडिटिंग इन उर्दू, ग्राफिक डिजाइन इन उर्दू एंड कंप्यूटर टिप्स एंड ट्रिक्स एंड लर्न एवरीथिंग इन उर्दू इन पाकिस्तान, अगर ये करें तो ये ज्यादा बेहतर है। लेकिन ये जो वीडियोस में आप कर रहे हैं सर ये राणा साहब तुम बिल्कुल गलत कर रहे हो, ठीक है ना, तो तुम एक्सचेंज एक्सचेंज कहते हो ठीक है, इस तरह ना करो या सारिया चीजा जो रिमूव कर दो। That's it, जी मेरे ख्याल से दो रिव्यूज काफी हैं, इसको स्टॉप शेयर करते हैं। बाकी थैंक यू वेरी मच अफान फॉर हैविंग मी, आई थिंक वी हमने काफी ज्यादा लोगों को बता दिया तो लोगों को लिए ये जो मैसेज है जो वीडियोस बार बार आप यूट्यूब पे देखते हैं कोई ऑफिशियल चैनल नहीं है, अगर आपको ऑथेंटिक न्यूज चाहिए तो मेरा एक ऑफिशियल समझ लें कि हमारा एक चैनल है टेलीग्राम पे लर्न टूडे लीड टुमारो, वहाँ पे हकीकत पे मबनी वीडियोज और जो न्यूज है वो अपडेट्स की जाती है वहां पे आ जाए, ठीक है वहां से आपको आप जब ज्वाइन करेंगे तकरीबन 6,500 लोग वहां पे मेरे ग्रुप के अंदर है टेलीग्राम पे और जब आप ज्वाइन करेंगे पिछले एक साल में जितनी न्यूज शेयर की गई सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में आपको टेलीग्राम चलाने के लिए वीपीएन चलाना पड़ता है, वीपीएन की ऐप इंस्टॉल करनी पड़ती है, ठीक है उसके बाद आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी अफान खान। And I hope that I've answered. Thank you so much. And we will meet again, inshallah. Ji ji sir, thank you so much, sir. Thank you. Inshallah, sir. Thank you so much, sir. Allah Hafiz. Yeah, yeah.